जो हम लोगों ने क्रॉस चेक किया है, जो इस बिल्डिंग में लोग रहते थे इनमेट्स, तो उसके आधार पे अभी हमारा ये अप्रोक्सीमेट अंदाज है कि 5-6 लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंदर और होने चाहिए। और हम लोगों ने इसको 3 जगह से ब्रीच कर लिया है, हमारी टीम्स अंदर चली गई हैं। एक व्यक्ति अंदर है, वो उसको हमने मोबाइल फ़ोन हमारी NDRF की टीम ने दिया है उससे बातचीत करने के लिए, तो उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी बाहर निकाल लें और बाकी अन्य परिवारों को जो है हम लोग सकुशल उसको बाहर निकाल लें। 12 से 13 फैमिली बताई जा रही थी कि यहाँ पे फ्लैट्स में रह रहे थे, और जब बिल्डिंग कोलैप्स किया उस समय वो लोग मौजूद थे, तो संख्या तो ज़्यादा हो सकती है। तो अभी हम लोगों ने 12 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है, और अब हमारा अप्रोक्सीमेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लोग और अंदर होने चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह कि अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं। 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जैसा DGP साहब ने बताया आपको। और अभी जो हमारे पास जो लोग निकल के आए हैं और जो लोग यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनकी सूचना के अनुसार इसमें कुल 5 से 6 लोग और हो सकते हैं, और अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं है। रेस्क्यू एफर्ट आप देख सकते हैं युद्ध स्तर पे चल रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बाकी लोगों को भी निकाल पाएं। किसी व्यक्ति को अंदर भेजा गया है, उसकी तरफ से क्या कोई सूचना आई है कि नहीं? जो एक व्यक्ति, जैसे DGP साहब ने बताया कि एक व्यक्ति जो अंदर जिससे संपर्क पाए उनको फोन दिया गया है, और अभी वो कुछ सकुशल है, उनको निकालने की कोशिश। आवाज आ रही थी अंदर से, आवाज आ रही थी, तो क्या रिपोर्ट किया गया है कि जो आवाज आ रही है वो हमारा बताया जा रहा है 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। हमारा संपर्क हो गया है, 10-15 लोग परिवार, अभी कोई कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। अलग अलग परिवारों के हैं, अलग अलग अपार्टमेंट में रहते थे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, इस तरह से अलग अलग जगह रहते, जो यही स्थानीय लोगों ने बताया। संजय जी, कुछ आवाज आई है कि स्पॉट किया गया कि यहाँ पे दिया गया, एक व्यक्ति को दिया गया है, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अभी चलेगा। 6 लोग के धन्यवाद। थैंक यू।